Thunder Clone. Get hands up. अच्छा तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. इस वीडियो का मकसद है आपको कुकिंग सिखाना. जिनको नहीं आती वो सीख सकते हैं, उसे क्लास ले सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो ये बता दूँ आज मैं बना क्या. ठीक है, मैं बना रहा हूँ कोरमा. और ये कोरमा जो है ये स्पेशल मेरी रेसिपी है. अच्छा, इससे पहले पहले मैं आपको बता दूँ जल्दी जल्दी से कि इसको करना किस तरह है, पकाना किस तरह है और अभी तक मैंने क्या क्या किया है. पहले तो अभी तो मैंने इसमें डाले हैं 3 अदद प्याज. ठीक है, इन प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगा. और हाँ, मैंने कोरमे के लिए बाकी चीज़ें सारी रेडी की हैं, वो मेरे साइट पर पड़ी हैं. जो जो मैं उसमें इंग्रेडिएंट्स से डालूँगा वो आपको सारे मैं बताता रहूँगा साथ साथ. ठीक है, तो पहली बात हाथ धोइए. ठीक है, और किचन में जब आप काम करने लगें, स्पेशली जब चूल्हे के पास, तो सैनिटाइजर यूज़ मत कीजिए. अपने हाथ धोएं अच्छे से साबुन से, डिटॉल, सेफगार्ड, जिस तरह के एंटी बैक्टीरियल सोप्स होते हैं, हैंड वॉश होते हैं, उनसे. तो प्याज अभी हो गए ब्राउन. ठीक है, 3 अदद प्याज मैंने डालें, थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, फिर आप प्याज डालें. और मैं इसमें ऐड करूँगा सॉल्ट. ये टिप है एक मेरी, आप जब प्याज ब्राउन करें उसमें थोड़ा सा ना वो टेस्ट जैसे होता है सॉल्ट, वो आप ऐड कर लें. तो उससे क्या होगा कि प्याज आपका कभी जलेगा नहीं. पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ. ठीक है, तो प्याज जो है अभी मेरा स्टार्ट हो गया ब्राउन होने. अच्छा, ये कोरमा मैंने चिकन को ना पहले लिया और उसको मैंने बॉयल कर लिया. ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि चिकन हम फ्राई करते हैं, लेकिन चिकन मैंने बॉईल किया है. और बॉईल सिर्फ ये नहीं कि पानी में डाल और बॉईल कर दिया है. बॉईल करते हुए मैंने उसमें कुछ चीज़ें भी ऐड की हैं. क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं उसमें, मैंने डाली है छोटी इलायची, जिसको हरी इलायची या सफ़ेद इलायची कहते हैं, वो मैंने डाली है. ठीक है, 6 से 7 दाने, 6-7 दाने मैंने उसमें लौंग डाला है. और मैंने उसमें थोड़ी सी, समझ लो आप, 1/2 टीस्पून मैंने उसमें डाले हैं ऑरिगैनो. ठीक है, इसके डालने के बाद, सॉरी, वाइट पेपर भी मैंने उसमें ऐड किया, वो बताना भूल गया. ठीक है, पाउडर जो है वो मैंने वाइट पेपर का वो डाला है, और वो डाला था तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप. ठीक है, टीस्पून, नॉट टेबल स्पून. चलिए साथ साथ आपको बताता चलूँ कि होता ही है कि अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को कि हम प्याज काटते हुए हमें वो आंसू आने लग जाते हैं. ठीक है, तो उसका हल ये है कि आप बबल, ठीक है, बबल साथ में, और जैसे आप खाते हैं ऐसे ऐसे इधर, या फिर आप प्याज को ना काटेंगे, उसका जो टॉप होता है, ठीक है, उसको काट के अपने सर पर रख लें, वो ज़रा जीप से होता है. ठीक है, लेकिन बबल जो है ये बेस्ट. और वैसे प्याज की पहचान हो जानी चाहिए आपको कि कौन सा प्याज जो है वो लगेगा आंखों में, कौन सा नहीं लगेगा. तो आगे चलते हैं. ये जो है तकरीबन ब्राउन होने वाला है बस. ठीक है, थोड़ी देर ब्राउन होता है तो साथ साथ बातें ही करते हैं, आपको मैं बताता रहूँगा मैं क्या कर रहा हूँ. अच्छा, अभी हम प्याज ब्राउन करेंगे. प्याज के बाद मैं टमाटर डालूँगा. 2 अदद टमाटर मैंने काट के रखे हैं, सारा कुछ साइड पे. ठीक है, अब होता ही है कि कोरमे में टमाटर नहीं डालते. आप बोले मैं क्यों डालूँ, मैं इसलिए डाल रहा हूँ, मेरा कोरमा मेरी मर्जी. ठीक है, तो मज़े मज़े का कोरमा बनाएंगे. साथ मैंने एक दो चीज़ खाने के लिए पहले रेडी की हुई है. वो क्या है, मैं रायता मैंने रेडी किया. इसमें हम दही भी डालेंगे. मैं आपको दही, मुझे याद आ गया, पैकेट पड़ा हुआ है. मैं जो दही यूज़ करता हूँ खुला नहीं करता, वो ये करता हूँ. ठीक है, नेस्ले योगर्ट, तो आप खुला दही भी यूज़ कर सकते हैं. इसे करने की एक वजह है कि ये थिक होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करके, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ, फेंट लेता हूँ. ये मीठा होता है, तो
जो आम दही होता है वो इतना मीठा नहीं होता, वो होता है खट्टा होता है मोस्टली, ठीक है। तो उससे मतलब कि उसकी जो खिटाई है ना वो बाहर लोगों को पसंद नहीं आती, तो मुझे जो दही है वो मीठा पसंद है। अच्छा ये प्याज हमारे हो गए ब्राउन, ठीक है। अब मैं इसमें डालने लगा हूँ टमाटर, मैंने 2-10 छोटे टमाटर जो है वो काट के रखे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगा, जैसे ये मिक्स होता है ना तो उसके बाद मेरा जो अगला स्टेप होगा वो होगा चिकन का। चिकन ऑलरेडी मैं कर चुका हुआ हूँ, ठीक है। आज मैं भी आप लोगों को ये बात पता ना हो या कई लोग जानते हो, मैं एक चीज़ करने लगूँगा हांडी बनाते हैं जो हो सकता है बाद लोगों को अजीब सी लगे या जिनको पता है वो यूज़ करते हैं इस तरह, वो देखेंगे। मैंने जो मसाला है ना कोरमा मसाला सारा वो ये देखा वो डाला हुआ है इसमें, नज़र आ रहा है ये पानी डाला हुआ है, पानी में सारा मिक्स किया हुआ है। अब कोरमा मसाला आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद से, या फिर आप जो हैं वो बाज़ार से ला सकते हैं, खुला कोरमा मसाला मिलता है आप वो ले आएँ, या फिर उसके बाद शान है, नेशनल है, ठीक है, इनका कोरमा मसाला आप यूज़ कर लें, जैसे आप मतलब के जो आपको पसंद हो जिस तरह तो आप वो बनाएं। अब मैंने इसमें वो मसाला डाला है, ठीक है, मैंने कोरमा मसाला बनाया हुआ वो मैं इसमें डाला है, साथ मैंने ब्लैक पेपर डाला है, ठीक है, और उसके बाद मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया हुआ है। तो जो हमने हांडी में चीज़ें डाली हैं, जो मसाले डाले हैं, वो मैंने सारे आधा कप पानी लेकर वो उसमें डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो मैंने क्वांटिटी डाली है वो मैं आपको बताऊं, तो सिंपल से मैं आपको एक हाल बताता हूं, कोरमा मसाला आप इतना लो तकरीबन हो ये 70-80 ग्राम, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो जाए तो चल जाएगा। बाकी आपकी हस्बैंड जायका जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें, नमक जितना आप पसंद करते हैं, मैंने इसमें नमक डाला है 2 चम्मच, ठीक है, ब्लैक पेपर मैंने डाला है, काली मिर्च इसमें डाली मैंने 2 चम्मच। अब ये मेरा जो है तकरीबन टमाटर, अच्छा मैं थोड़ा सा टमाटर को ना कच्चा रखूँगा, बिल्कुल वो पेस्ट नहीं बनाऊँगा बिल्कुल, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा कि प्याज ब्राउन हो गए हैं, टमाटर थोड़े से गल जाएं, और तो टमाटर गलने के बाद मैं इसमें डालूंगा चिकन, ठीक है, चिकन को थोड़ी देर भूनूंगा और साथ उसके बाद मैं डालूंगा इसमें दही। अच्छा दही दही कितना हो ये भी दही आप यूज़ कर सकते हैं 1 पाव या 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। आप चिकन कितना है चिकन भी बता दूँ, 1 किलो चिकन, ठीक है, छोटा बोनलेस ना हो, ठीक है, बोन वाला चिकन होना चाहिए। और ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आँच जो है ना आपने वो मध्यम रखनी है, ना दरमियानी हो ना बिल्कुल हल्की, उसके बीच में होनी चाहिए। थोड़ा सा ये प्याज और सॉरी टमाटर, अगला स्टेप इंशाल्लाह हांडी को जितना आप आराम आराम से पकाएंगे ना वो उतने ही मज़े की बनेगी, ये मेरी बात याद है, जब तेज़ आंच में पक जाती है हांडी, कोई भी चीज़ आपने पकानी है वो हल्के से पकाए आराम आराम से इंजॉय करके मज़े से पूरे ध्यान से, ठीक है। ओके तो ये तकरीबन हमारा टमाटर डाल चुका है, अब इसमें डालूंगा मैं चिकन, ठीक है, ये 1 किलो चिकन मैंने पहले से बॉईल किया हुआ है, ये मैं किस पानी में बॉईल करते हुए
क्या क्या डाला था वो मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। मैंने बॉयल करने वाले चिकन को जो पानी डाला था उसमें मैंने डाला था हरी इलायची, ऑरिगैनो, वाइट पेपर और लौंग, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसको ना आपने चिकन को अच्छे से फैलाना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है, इसको फैलाना है आपने ऑयल में। अभी अच्छे से फैल जाए, ठीक है, फिर जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं बारी बारी आराम से, वो आपके आँच पर डिपेंड करता है कि आपने आँच जो है वो कितनी रखनी है। छोटी बोटी होना मस्त है, मज़ा आएगा उसमें, बड़ी बोटी अगर हो तो वो मज़ा नहीं उसमें आएगा कोई नहीं, ठीक है, ये आपने खास कर ध्यान रखना है, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरी मानिए कोरमा बनाते हुए आपको छोटी बोटी जो है ना वही रखवानी चाहिए। अगर वो चले आप ले आते हैं घर में, बाद अवकात होता है कि हमने कुछ 100 रुपये का जमा किया होता है चिकन का भी, ठीक है, तो उसको आप बाद में जाते हैं तो तीस भी कर सकते हैं उसका शुरुआत में, ठीक है। अभी इसकी हम करेंगे साइड चेंज, ठीक है, बॉयल किया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर बॉयल ना करें, ठीक है, कोरमा लोगों को पता है वो कोरमा बनाते वक्त, ये मेरा तरीका चले, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ जो मैं बनाता हूँ, वो पता है उसमें बॉयल नहीं करते, फ्राई करते हैं चिकन को, ठीक है, प्याज भी नहीं डालते, टमाटर भी नहीं यूज़ करते, ऑयल गर्म करने के बाद। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और बता दूँ, मैंने एक और काम किया हुआ है, मैं सबकी साइड चेंज कर लूँगा, मैंने एक और काम किया हुआ है, मैंने क्या किया है, किधर किया है, मैंने प्याज को, ठीक है, इनका भी चूरा करूँगा, मैंने तकरीबन एक प्याज लिया दरमियाना प्याज, उसको मैंने इस ऑयल में पहले मैंने ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन किया, जिसको हम जली हुई प्याज कहते हैं समझा, ठीक है, तो मैंने वो इसका हल कर दिया हुआ था, वो मैं इसमें यूज़ करूँगा बाद में, आपको दिखाऊंगा वो, ठीक है। यार अगर बोर हो जाओगे आप ना तो मैं अब क्या करूँगा आपकी भीड़ दूर करने के लिए, किचन में मोस्टली लोग वैसे ना बोर होते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हांडी जो है ना वो कहते हैं यार हरे हांडी बनानी पड़ गई हमें, ठीक है, ये हमारे पल्ले ही जिम्मे की काम है, पहले आपकी बोरियत ना हो तो आपको मैं क्या जाने सुनाऊंगी, मैं डांस करके दिखाऊंगा, मुझे डांस आता नहीं है वैसे, ये नहीं कि मैं करता नहीं, आता नहीं करता हूँ, लेकिन मौके की भी नहीं सकता, ये बड़ा ज़बरदस्त चिकन जो इस टाइम ब्राउन हुआ है, काश मैं आपको ऐसे मोबाइल में करके दिखा सकता, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये इसकी लुक आ गई और अब ये मेरी लुक आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगा दही, दही का दही जो मैंने पहले से मिक्स करके रखा हुआ, ठीक है, वो इसमें डाल दूँगा, ये दही फैला के आपने डाल दिया, और दही को फेंटना ज़रूर है, ये याद रखिएगा, दही को पहले से फेंटना ज़रूर है, अच्छे से आप दही इसमें से निकाल लीजिए, दही कितना है, दही मैंने आपको बताया है दही होना चाहिए 250 से 300 ग्राम, और दही मैंने यूज किया हुआ है नेस्ले का, ठीक है, आप चाहें तो खुला दही भी यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छे से दही आपने निकाल लिया, ठीक है, थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको चमचा के,
जरा सा चमचा हिलाते रहें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़रा ये जो दही है ना ये मिक्स ना हो जाए। अगर ये मिक्स ना हो ना सही से, ये जस्ट चिकन के ऊपर रह जाए तो वो खिलतियाँ सी बन जाती हैं, ठीक है ना, तो वो मज़ा नहीं आता, वो मिक्स नहीं होता। दही की जो है वो मतलब कि थिकनेस जो है ना वो ख़त्म करने के लिए ही उसको फेंट लिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर उसमें मलाई वगैरह हो तो वो आप अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल फेंटना है आपने, जैसे अंडा फेंटा जाता है उस तरह से फेंटे आप। तो अब इसके बाद मैं दही डालने के बाद डालूंगा इसमें ये मसाला जो मैंने मिक्स किया हुआ था सारा, ये आधा कप पानी में ये मैं इसको फैलाऊँगा, आगे डालूंगा एक मिनट। ये जो मसाला मैंने पानी में डाल के मिक्स किया हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। जी मैं इसको थोड़ा सा ना चमचा हिला के मैं आपको मैं इसकी शक्ल दिखाता हूँ, ठीक है, कैसी बनी। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, हल्की आंच पे, ठीक है, इसको पकता रहने देना। तो मैं पहले चूल्हा कम करूँ, ठीक है, तो इसको अभी हमने पकते रहने देना है इस तरह। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट बाद जब हम सॉरी 10 मिनट बाद 10 से 15 मिनट बाद जब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ और वीडियो को मैं रोकता हूँ, तो फिर नेक्स्ट जो है 10 मिनट तक आप बोर हो जाएंगे मेरी शक्ल देख के। तब तक भाई आपने इतनी देर बर्दाश्त किया मुझे, ठीक है, तो ये देखें ये इसकी शक्ल है, ठीक है। तो अब ये मेरी शक्ल, मैं यहाँ पॉज करता हूँ, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, अब इसको ढक देना है, ठीक है, मैं ढकता हूँ इसको, वीडियो पॉज करके फिर हम यहाँ से दोबारा मिलते हैं। हाँ जी मित्रों, क्या स्टोरी है, स्टोरी है कि हमने अब इसको जो कवर किया हुआ था हम वो ढक्कन हटाएंगे, ये देखें यार की प्यारी खुशबू, ठीक है। मैं अब कैमरा ज़रा सामने रख दूँ, अगला काम करें, ओके। तो शक्ल मैंने आपको उसकी दिखाई, यार खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना कसम से, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टोरी ये है कि कोरमा हमारा 90% जो है वो बन चुका है, ठीक है, तो बड़ा ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि बस लेट बाहर ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अच्छा मैंने ना इसका जो है आज बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, क्योंकि मैंने इसको 20 से 25 मिनट पे ले गया था, तो मैं तकरीबन इसको 25 मिनट मैंने दे दिए, ठीक है, थोड़ा सा चूल्हा तेज करूँगा, ओके। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगा एक दो चीज़ें ऐड करने का मतलब है कि मैं इसमें डालूंगा पहले अदरक, आप ये देखें, ठीक है, ओहो मेरी मिर्ची गिर गई, अदरक तकरीबन ना आप काट लें 2 से 3 चम्मच इनफ होंगी, ठीक है, बारीक कटी हुई अदरक को ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी आपने मसाला डालना है ना वो फिलहाल, फिर ये चूरा क्या हो जो मैंने प्याज था मैं वो इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, ओके।
प्याज ऐड हो गया। अच्छा प्याज पे भी ना आपकी मर्जी होती है कि आप वो प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन करते हो, लाइट ब्राउन करते हो, जैसे आप करें। ये थोड़ी सी ना मैंने दो मिर्चें काटी हैं हरी, ठीक है, ये मैं बस ऐसे ही इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है, मुझे पसंद है हांडी में, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें मैं डालूँगा तकरीबन आधा गिलास पानी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा पानी। और अब क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा ना मिक्स करूँगा, यार कसम है मैं आप लोग बता नहीं सकता इसकी खुशबू मुझे ना मेरे पेट में चूहे जो है ना वो खुदा करें, उसकी खुशबू जो है ना अन्नी मजा आ जाएगी। इस टाइम तो यहाँ पे लोगों ने खाना खा लिया होता है, तो मैं बना रहा हूँ, खुशबू इसकी डेफिनेटली आस पड़ोस जाएगी, उनका एक दफ़ा फिर से दिल करेगा खाने को, गारंटी से कहता हूँ। अच्छा थोड़ा ना वो जब मैं कैमरा सेट कर रहा था एक चीज़ बता दूँ, अच्छा इसको मैं साथ ही गप्पे लगाते हैं और इसको 5 मिनट देने हैं सिर्फ, और कोरमा आपका रेडी, 5 दे लो 10 दे लो बड़ी वाल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अब मैं दरमियानी आँच पर करूँगा, ठीक है, इसको हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा तो क्या कर रहा था मैं, बात भूल गया, हाँ कैमरे की सेटिंग की बात कर, कैमरा एक्चुअली मैं पहले स्ट्रेट रख रहा था, यानी कि मैं इधर खड़ा होता यूँ तो आगे मेरे आ जाता ये फिर, ठीक है, बर्तन और चूल्हा, तो मैं फिर सही से नज़र नहीं आ रहा था, तो मजीद मेरे पर टेबल नहीं है सेकेंड साइड पर इतना ऊँचा कि मैं इसको ऊँचा करूँ और इस तरह का लुक दिखाऊँ, होता वो मजेगा, ताकि साथ साथ आपको हांडी भी नज़र आती है कि इसका क्या कलर है, किस तरह बन रही है, अभी इसका क्या कलर चेंज होगा, हम इसमें दही ऐड करते हैं तो किस तरह का इसका कलर हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं टाइम देख रहा था नोट करने 5 मिनट, तो वो सारी चीज़ें इसमें साथ साथ ऐड होती रहती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, मैं जो मैं बनाया है मैंने कोरमा, ठीक है, गब्बर स्पेशल, इसका नाम मैंने रख दिया गब्बर स्पेशल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है मैं आपको पहले बता दूँ, पहले आपने 1 किलो चिकन लेना है छोटा, ठीक है, छोटी मोटी वाला, बोनलेस नहीं हो ये याद रखिएगा, उसको आपने बॉईल करना है, बॉईल करना है, बॉईल करते हुए आपने पानी में डालना है 6 से 7 अदद हरी इलायची, जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं, कुछ लोग सफ़ेद इलायची भी कहते हैं वो, और उसमें डालना है आपने तकरीबन 6 से 7 जो है वो लौंग डालना है, ठीक है, 55 हो गया बंद करके आ गया, वो एक्चुअली पंखा नहीं है वो एग्जॉस्ट है, तो वो मैं देखा वो बाहर हवा वगैरह चल रही है तो उसकी वजह से उसको आवाज़ कर रहा है। एनीवे तो हम बाइंड अप करते हैं इसे जल्दी जल्दी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपने पहले चिकन लेना है, ठीक है, उसमें उसको बॉईल करना है, बॉईल करना है आपने वाइट पेपर, ठीक है, इलायची हरी इलायची 6-7 दाने, लौंग के 6-7 दाने, ऑरिगैनो, ठीक है, आपने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा, ये ऐड करके आप उसको बॉईल कर लें, जब वो बॉयल हो जाए आप देख पता चल जाएगा आपको, ठीक है, और पानी इतना हो कि बॉयल होते टाइम पानी कम ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है, प्याज को ब्राउन करना है, आपने एक प्याज हो दरमियानी सी उसको आपने ब्राउन करके जला के आपने वो निकाल लेना है, उसको ठंडा करना है, फिर उसका चूरा करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसी ऑयल में आपने पहले प्याज डालना है, ठीक है, 3 अदद प्याज हो, 2 अदद छोटे टमाटर हो, उसको आपने बना लेना है, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा धुआं नज़र आ रहा होगा साइड से ये मैं अच्छा, तो उसको आपने
भून लेना है, ठीक है। उसको उसके बाद आप इसमें चिकन डालना है, चिकन डाल के आपने थोड़ी देर उसको भूनना है, भूनने भूनने के साथ आपने उसमें दही डालना है, 300 ग्राम दही होगा, मैं आपको ये बता दूँ 250-300 ग्राम दही। फिर उसके बाद आपने कोरमा मसाला और जो भी आपने मसाले जैसे इसमें डालने हैं, गरम मसाला, हल्दी, हरी मिर्च, सॉरी लाल मिर्च, काली मिर्च, जो भी आपने डालना है, नमक वगैरह सारा, वो आधा कप पानी लेके उसमें डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और वो आपने फिर पहले से मिक्स कर लें, ठीक है, वो फिर आपने उसके ऊपर डाल देना है और डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिलाना है, मिक्स करना है और उसको ढक देना है। फिर हल्की आंच पे उसको 20 से 25 मिनट आपने कुक करना है, इतना कि गोश्त आपका अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए और रस में सदा बन जाए, है ना, चटपटा टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसका कवर हटाना है और उसके बाद आपने इसमें अदरक 2 से 3 चम्मच और वो जो आपने प्याज निकाली थी वो डालनी है और हरी मिर्च मैंने ऐड की है थोड़ी सी, ठीक है, वो डालनी है और इसको 5 मिनट तक आपने जो है इसको कवर किए रखना है। और ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं तो ये बस तकरीबन बन गई है। अभी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, ऊपर धनिया डालूँगा अपने लिए, ठीक है। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं। तो आए इसके आपके सामने, मैं इसको इसका ढक्कन उठाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी लास्ट लुक कि ये बिल्कुल एंड में किस तरह का शक्ल देगा। और मैं एंड में आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, एक छोटा सा क्लिप और बना लूँगा, चले इस वीडियो के अलावा, और इसकी तस्वीरें साथ साथ बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और अपलोड करूंगा, आप देखते रहना। इसकी मैं लास्ट चूल्हे के ऊपर आपको लास्ट लुक दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसको प्लेट में डाल के मैं आपको इसके लिए लुक दिखाऊँगा। तो आइए मेरे साथ देखिए, ये आपको इस तरह मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये भी ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, इस तरह मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये हियर वी गो, ये नजर आ रहा है आपको अच्छे से, ओहो इतनी भाप हो गई, कैमरा जो है वो भाप से भर गया स्क्रीन, ठीक है। एक मिनट में साफ कर देता हूँ, हो गया, ये देखिए ये कोरमा तैयार, लुक यमी आ गया भाई, खुशबू तो एंड ही है, काश अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आप लोगों को खुशबू भी आने लग जाए। तो ये देखें लगा भी नहीं है नीचे, आप बोलेंगे यार ये लग गया है या नहीं लगे, देखो कहीं से भी नहीं लगा, ठीक है, यहाँ देखो आपके सामने। तो अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा और वो चीज़ होगी धनिया, ठीक है। धनिया ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा, ये धनिया आ गया, ठीक है, अच्छा जी, ये धनिया आपके सामने, ये लिया धनिया और ये डाल दिया खाला ने धनिया। धनिया डालने के बाद आपने इसको कर देना है चूल्हा बंद और कर देना है कवर। ओह गर्म सी, अल्लाह दी कसम, आसन दे लो जी, आपका कुरमा तैयार। अब आप अच्छी सी चपाती बनाएं और उसके साथ ही खाएं। मैं तो चपाती साथ मैंने मिंट रायता भी तैयार किया हुआ है, थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ, नहीं तो आपको दिखाता मैं ये कुरमा। तो इंशाल्लाह ताला आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट किसी और चटपटे खाने के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत के। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।